तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। दोबारा खेलने जा रहे हैं गाइस रांच सिमुलेटर। एंड मैं दोस्तों यहां पे बहुत कुछ कर दिया हूं, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और गाइस यहां पे दोनों पिग नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस गाइस, मैंने उसको मार दिया हूं। और मार कर गाइस देखो, मैं सबसे पहले हंटिंग किया था गाइस। हंटिंग करने के बाद मेरे पास जो पैसा बचा था ना, उस पैसे से मैं ये एक लेकर आया था, ये दोनों लेकर आया था, और इससे मैं सॉसेज बनाया था गाइस। देख लो यहाँ पे सॉसेज बन भी रहे हैं। और चलो ये गाइस बन जाएंगे तो मैं बेच दूंगा, और मेरे पास सिर्फ 133 डॉलर बचे हैं। और गाइस इन लोगों का फूड एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस फूड इन लोगों का बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। देखो गाइस 1% बचा है, ये लोग मर जाएंगे अगर फूड ना किया तो लाकर। तो चलो ये सबसे पहले तो मैं फूड लेकर आ जाता हूँ इन लोगों के लिए। और अपने पास तो एक फूड है, ओके चलो एक फूड तो है, फाइनली एक फूड है। मैं सोचा नहीं है तो फिर वापिस जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो हम आज कुछ बाय करने वाले हैं गाइस। अपने पास 133 डॉलर तो हैं, तो चलो सबसे पहले मैं जो बाय करना है गाइस वो बाय करने चलते हैं। और उससे बाय करने से पहले ना गाइस ये मैं ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास पैसे हैं नहीं। ये सूखा हुआ वाला ले लेता हूँ मैं, ये इसको बेच दूंगा ले जाकर। देखते हैं फिर कितने रुपए मिलते हैं। और उससे पहले ना गाइस एक और चीज, इस गेम में एक और नया अपडेट आया था शायद, तो हमें जाना पड़ेगा उसके लिए स्टोर पे। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, चलते हैं स्टोर पे। और ये आज वाली वीडियो ना गाइस मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस तो मैं भी देखना चाहता हूँ यार। फर्स्ट टाइम मैं रियल लाइफ में तो ऐसे एक दो बार किया था गाइस। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या चीज। अभी तो आप लोग को थंबनेल से भी पता लग ही गया होगा गाइस आज इस वाले गेम में क्या क्या करने वाले हैं गाइस। दो चीज करने वाले हैं, एक एक तो थंबनेल में जो होगा वो होगा ही, और गाइस देखो दूसरा वाला चीज होगा जो हमारे पास अगर ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है ना गाइस, हम लोग बनाने वाले हैं आज गोट या पिग फार्म तो बनाएंगे गाइस, क्योंकि उस वाले फार्म में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है उन लोगों को रखने में। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, और यहाँ पे दो चीज अपना नया आया है, तो चलो मैं दिखा दूं क्या चीज आया है। एक बी स्मोकर एंड ये फ्रेम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी स्मोकर लेते हैं, उसके बाद एक फ्रेम खरीद लेते हैं। तो ये दोनों तो होता क्या है मुझे भी पता नहीं है, तो चलो ये दोनों बाय करता हूं। और मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है, तो देखो ये दोनों तो बाय कर लिया हूं मैं। और ये इन्वेंट्री में भी आता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले स्मोक वाला यहां पे रखता हूँ, एंड स्मोक के साथ साथ एक ये फ्रेम मिला है ना, फ्रेम वाला भी यहां पर रख देता हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूं, और मेरे पास शायद एक ही दो फूड के लिए स्पेस है, क्योंकि गाइस अपने पास पैसे ही नहीं ज्यादा। तो चलो सबसे पहले एक फूड एंड एक ही फूड आएगा गाइस, तो कोई बात नहीं। चलो एक फूड तो कम से कम ले लूं मैं, क्योंकि गाइस वहां पे बकरियों के लिए अपना फूड नहीं था। तो चलो मैं यहाँ पे फूड बाय कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। और चलते हैं रांच में। और रांच में देखो चलने से पहले ना गाइस, देखो मेरे को मधुमक्खियों का वो जो भी जहाँ वो अपना वो लगाती है, छाते लगाती है मधुमक्खियों का, चले गए वहां पे शहद निकालने के लिए गाइस। सब शहद होता क्या है इस गेम में मेरे को नहीं पता है गाइस। देखो अब निकालने के बाद अब पता चलेगा उसको बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते, अब कुछ भी आइडिया नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना गाइस, सबसे पहले तो चलते हैं अपने यहाँ पे। क्या रियल लग रहा है मून, तो मून को एक बार देख लो गाइस, बहुत ही रियल गेम लगता है गाइस ये। पर हाँ गाइस लैग करने की वजह से ये क्या, मैं सोचा ये मर गए क्या, ओ ये मर गए। नहीं, मैं सोचा गाइस ये गए टपक गए, पर ये बचे हैं। चलो गाइस इसमें डाल देता हूँ फूड, और फूड के लिए साइड हो जाए थोड़ा सा, इसमें फूड डाल देता हूँ इन लोगों का, फूड की कमी ना रहे। और वाटर की, वाटर तो अभी है गाइस, इन लोगों का वाटर कितना ही, वाटर कम पीते हैं ये लोग, वाटर ज्यादा मतलब वो करते ही नहीं। इसमें भी फूल है वाटर। तो सबसे पहले क्या करूं, रात को ही चलो क्या, क्योंकि रात को गाइस मधुमक्खिया को दिखता नहीं है, सुबह में दिखता है, तो अगर हमें काटेंगी तो प्रॉब्लम होगा गाइस, क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उन लोगों के पास, अब मेरे को आइडिया नहीं इस गेम में उन्होंने क्या किया, मतलब काटेंगे तो हमें कुछ होगा या नहीं भी होगा, अब कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग सो जाते हैं ना, गेम सेव क्यों कर रहे हैं। ओके सुबह होते ही हम लोग निकलेंगे गाइस मधुमक्खियों के पास। तो चलो सुबह तो हो गई है गाइस, सुबह का 7:55 हो रहा है। वो गाड़ी में बैठ जा, चलो अब देखो गाइस मुझे एक मधुमक्खियों का खोता पता है कहाँ पे, एक मधुमक्खियों का छाता जो भी है ये इन लोग लगाती है वो पता है मेरे को कहाँ पे है उन लोग का मधुमक्खियों का छाता। तो गाइस पता है बचपन में मैं ये किया था, लकड़ी ले जाकर खोद दिया था उन लोग को डायरेक्ट, मेरे को बहुत ज्यादा मधुमक्खियों ने काट लिया था। तो चलो देखो गाइस इधर ही मैं कहीं आया था, तो एक बार मेरे को मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दी थी,
तब मेरे को याद आया कि यार यहाँ पे मधुमक्खियां कहाँ से आने लगी। देखो गाइस उस वक्त मेरे को पैसे की जरूरत थी, हंटिंग करके आ रहा था तो मैं निकल गया, मैं ध्यान नहीं दिया, उतना नोटिस नहीं किया था, परंतु मधुमक्खियों का भनभनाने की आवाज जरूर आई थी। फिर मैंने यहाँ से हंटिंग भी कर लेना चाहिए था। देखो इधर ही कहीं है, अब मेरे को पता नहीं वहां पे है भी कि नहीं है। एक बियर भी दिख गया गाइस, चलो बियर को भी हंटिंग करेंगे और इधर भी एक बार देखेंगे मधुमक्खियां हैं क्या। वन टू, निकल जा भाई, क्यों आना चाह रहे, क्यों मरना चाह रहे, पता नहीं गाइस मैं मधुमक्खियों का कहां खोजूं। गाइस आप लोगों को कमेंट करके बताना। देखो ये तो बियर वाला इलाका है, मेरे को पता है मधुमक्खियों का इलाका भी होता है क्या ये तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, परंतु अब मिल नहीं रहा है मेरे को। इसको कैसे यूज करते हैं, देखो गाइस मेरे को कुछ भी चीज़ नहीं पता है क्योंकि मैं अब भी तो स्टार्टिंग में आया ही हूँ, और मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है गाइस इधर ही कहीं मैं देखा था, अब पता नहीं यहीं पे तो कहीं पे था साइड में, अब पता नहीं कहाँ पे। मैं गाइस लिटरली यार बहुत देर से ढूंढ रहा, देखो गाइस एक मिल गया। और ये है कैसा भाई, सीसी को मैंने खोद मतलब लकड़ी से खोद दिया था, और मेरे पीछे सारे के सारे, कम से कम इसमें कहा था मेरे पीछे, एकदम रियली का बता रहा हूँ गाइस, रियल का मेरे पीछे लग गए थे। तो चलो सबसे पहले स्मोकर लेंगे गाइस, हाँ इतना तो पता है स्मोक से और आग से ये लोग भगते हैं, तो स्मोक कैसे चालू करेंगे। ओके नीचे मैं गिराता हूँ, रख देता हूँ एंड चालू कर देता हूँ। ओके इन लोगों को नीचे रख देता हूँ ना मैं। ओके चलो गाइस इन लोगों का नीचे तो रख दिया हूँ, परंतु स्मोक यहां तक पहुंच ही नहीं रहा, तो मैं इसको ऊपर लेकर चलता हूँ। ओ गाइस ये लो स्मोक यार, चलो यहाँ पे तो इन लोग को स्मोक दे दिया, शायद ये शांत हो गए होंगे। ओके चलो ये तो शांत हो गए होंगे, और मैं चलता हूँ इधर और इसको रख देता हूँ यहाँ पे, नहीं इसको यहाँ पे क्यों रखूँ, यहाँ पे रखते हैं और इसको उठाते हैं और इसको लेकर चलते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं। ओ नहीं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को काट दी मधुमक्खियाँ, काट दी। ओके चलो इन लोगों को थोड़ा सा और स्मोक दिखाता हूँ मैं, गाइस स्मोक लग रहा है कि नहीं, इसको स्मोक भी लग रहा है कि नहीं अब पता है नहीं मेरे को भाई, स्मोक लग भी रहा है कि नहीं अब देखते हैं गाइस, अब कलेक्ट करके देखते हैं। और ओके गाइस फाइनली मैं ये कलेक्ट कर दिया हूँ और इसमें पता नहीं क्या दिखा रहा है, और चलो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ एंड इसमें ज़्यादा नहीं आए हैं, मुझे एक दो और मिलता तो एक और ले लेता, क्या इसमें का मिलता है क्या अब पता नहीं। चलो गाइस मैं इसको भी रख देता हूँ, और ये बंद नहीं होता है क्या, ओके ओके ये बंद होता है, ओके ऑफ हो गया। मुझे एक और मधुमक्खियों का वो छाता मिल जाता ना गाइस, बी हाइव यार मजा आ जाता। और ये क्या हुआ, ये क्योंकि गाइस मैं ये लेकर आया हूँ फ्यूल वाला, वरना मेरे को वापिस जाना पड़ता और वापिस जाकर मेरे को वापिस लाना पड़ता। चलो गाइस मैं यहाँ पे तो ये मधुमक्खी का छाता ले लिया हूँ, अब चलते हैं अपने रांच में। और ये क्योंकि गाइस मैं फ्यूल रखा था तो मेरा यहाँ पे गाड़ी चल गई, नहीं तो वापिस हमें रांच में जाना पड़ता, फ्यूल का डब्बा उठाना पड़ता, फ्यूल कैन उठाना पड़ता एंड वापिस फ्यूल स्टेशन पे जाना पड़ता, उसके बाद अपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो चलते हैं अपने रांच में। देखो गाइस मेरे पास कोई आइडिया नहीं इसको क्या करते हैं कैसे करते हैं, और इसका हाँ इतना तो पता है गाइस हनी निकालेंगे इसका, और हनी हम शायद बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने रांच में आ गया हूँ मैं, और सबसे पहले सो जाते हैं हम लोग यहाँ पे। और गाइस सुबह होते ही हम बनाएंगे हनी, जैसे देखते हैं कैसे बनता है यानी, अब मेरे को तो पता ही नहीं। तो चलो गाइस देखो यहाँ पे सुबह हो गया है और मैं ये ला दिया हूँ, और इसके लिए कुछ बनाना पड़ता है और मेरे को नहीं पता अब भी। जस्ट देखो गाइस मैं सोच रहा था यहाँ पे होगा क्या बहुत देर से, तो मैं सोचा एक बार रेसिपी बुक में मैंने कुछ देखा था, पर इतना याद नहीं क्या देखा था, पर क्योंकि नया नया कुछ इसमें डेकोरेशन बहुत सी चीज ऐड हुआ था तो मैंने देखा था। देखो गाइस एक हनी एक्सट्रैक्टर है और एक है वुडेन बीहाइव है, बी हाइव है, वुडन बी हाइव है, एक हनी एक्सट्रैक्टर है एंड है एक है वुडन बी हाइव। और चलो गाइस ये दोनों को बनाने के लिए हमें ब्लू प्रिंट चाहिए, तो देखो गाइस अभी के लिए तो मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, और इसका जो एक और है ना ये वाला मैं यहाँ पे बनाता हूँ अभी के लिए। तो चलो गाइस यहाँ पे दोनों तो बन गया है, और सबसे पहले मेरे को इसमें कितना वुड चाहिए, कॉन्क्रीट 20 चाहिए, मेटल 20 चाहिए एंड इसमें दो और मेटल चाहिए, तो अपने पास शायद मेटल होगा।
ओके गाइस देखो, दो मेटल है अपने पास, तो यहाँ पे मेटल लगा देता हूँ एंड 15 वुड का प्लैंक, कंक्रीट और मेटल चाहिए, तो चलो हम लोग कंक्रीट और मेटल। और इसके लिए ओ मैं इसको छू नहीं सकता, ये क्या बात हुआ। और सबसे पहले उसके लिए तो हमें सबसे पहले ये हटाना होगा, और ये भी हटा देता हूँ एंड ये भी हटा देता हूँ एंड ये भी हटा देता हूँ। देखो गाइस उसको तो मैं अभी छू नहीं सकता, तो छू नहीं सकता, तो अभी उसी पे उसको उसी पे रहने देते हैं। और अपने पास फ्यूल है ना, ओके फ्यूल अपने पास ज़्यादा है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने हार्डवेयर स्टोर पे, क्योंकि गाइस उसके लिए हमें चाहिए मेटल एंड कॉन्क्रीट चाहिए और वुडन प्लैंक भी चाहिए। तो गाइस मैं वुडन को अब लॉक काट के उसको वो नहीं करने वाला हूँ, तो सबसे पहले जहाँ चलना है गाइस हम लोग वहीं पे चलते हैं। मैं अंदर गाड़ी लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पे भी आ चुका हूँ, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या, देखो गाइस इसमें मैं 500 में 50 मेटल बाय कर सकता हूँ एंड हमें चाहिए सिर्फ 20, हम ये 200 का लेंगे और प्लैंक चाहिए हमें 15, तो 8, 8, 16, 30, 24, 36। चलो गाइस हमें 300 का ले लिए, यहाँ पे तीन चार प्लैंक लिए, कितना प्लैंक लिए, चार, ओके चार प्लैंक ले लिए। और भी कुछ हमें लेना है क्या, इसमें देख लेता हूँ, ये फ्रेम ले लूँ क्या एक और, तो चलो गाइस एक नहीं दो फ्रेम ले लेते हैं और, तो चलो गाइस मैं यहाँ पे दो फ्रेम और ले लिया हूँ। और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, और भी कुछ चाहिए अब पता नहीं गाइस, देखो अब जो भी कमी होगी ना तो हम लोग आकर लेकर जाएंगे। अपने पास कितने पैसे बचे अभी, $285 बचा है गाइस, अपने पास थोड़ी पैसे की तंगी आ चुकी है मेरे को पता है, अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। चलो मैं इसको उठाता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे रख देता हूँ, ओके चलो ये भी दो बाय कर लिया हूँ। और अब चलते हैं ना, क्या करते हैं अब, पर अब इसको मैं उठाऊंगा कैसे, ये तो अपने मधुमक्खियाँ काट रही है ना गाइस, अभी नोटिस किए होंगे आप लोग, मैं इसको उठाने की कोशिश किया तो ये काट रही थी, तो शायद फिर से स्मोक करना पड़ेगा मेरे को, देखो कोई आइडिया नहीं है। तो चलो यहाँ पे उड़ का प्लैंक ला दिया, पर मैं यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ा किया, पीछे है अपना जो भी चीज़ है सामान, ओके चलो मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे स्मोकर कहाँ गया, स्मोकर ये रहा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ एंड इसमें उड़ लगेगा। ओ नहीं गाइस मैं क्या कर दिया, मैं एक चीज लाना भूल गया और वो है गाइस कॉन्क्रीट। तो चलो उड़ का प्लैंक यहीं पे रख देते हैं हम और ये स्मोकर ले लेते हैं, अगर बीच में कहीं हनी मिलेगा ना तो गाइस वेट, मैं तुरंत गया और तुरंत आया और इसमें अगर मेरे को हनी मिला तो आप लोगों को देखो गाइस, तो मैं क्या कर रहा था ना, मैं इधर कंक्रीट लेकर जा रहा था, तो मैं थोड़ा इधर उधर मैं थोड़ा आईलैंड होकर आ रहा था क्योंकि मेरा एक और भी आई बैग कलेक्ट हो जाए, देखता हूँ गाइस इससे थोड़ा स्मोक कराते हैं सबसे पहले, तो और भाई स्मोक निकल जा और चालू कर दिया इसको और यहाँ पे चला जाता हूँ पास में एंड इसको थोड़ा स्मोक लगा देते हैं हम लोग। गाइस बहुत मेहनत से ये मिलता है हमें, ये तो जल्दी मिलता ही नहीं है। चलो तो सबसे पहले मैं इसको जल्दी से रख देता हूँ यहाँ पे मधुमक्खियों को, अब तो शायद कलेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, ओके चलो एक बार ट्राई करता हूँ। और ओके गाइस मैं कलेक्ट भी कर लिया इसको, और इसके ऊपर रख सकता हूँ कि नहीं अब पता नहीं, इसके ऊपर रख सकता हूँ कि नहीं, चलो तो यहाँ पे पहले मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ एक, एंड एक और है क्या कहीं पर, एक और मिल जाएगा ना गाइस तो मेरा तीनों फुल हो जाएगा। और ये क्या कर रहा था, मेरा स्मोकर कहाँ गया, मेरा नुकसान हो जाता गाइस। चलो एक और एक और ट्राई करता हूँ गाइस, अगर मिल गया कहीं मेरे को आसपास में तो मजे आ जाएंगे, तीनों का तीनों फुल हो जाएगा। पर पता नहीं गाइस इसको कैसे यूज करना है, देखो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कैसे यूज करना है। देखो मैं जो चीज बुक में था गाइस वो बना भी दिया हूँ और अब पता नहीं, मेरी गाड़ी में से स्मोक निकल रहा है, ओ ओके ओके मैं भूल गया था कि मैं अपना स्मोकर है जो ऑन करके रखा हूँ। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा उतरा था क्योंकि हिरन दिखाई दे रहे थे ज़्यादा ही, तो मैं तीन चार हिरन को मार दिया यहाँ पे और एक एक गोली में एक एक शॉट में गाइस मैंने मार दिया। और चलो गाइस मैं देखो मैं यहाँ पे तो एक हनी और कलेक्टर के ला दिया हूँ, परंतु यहाँ पे मेरे को चाहिए था कॉन्क्रीट, जो कि गाइस मैं कॉन्क्रीट लेकर आया नहीं था। देखो गाइस मैं चार यहाँ पे कॉन्क्रीट बाय किया हूँ और चारों का चारों यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि 20 kg है अपने पास, 20 kg लगने वाले हैं, तो 10 kg हो गए और 5, 15, भाई 5 डिस्काउंट तो ले ले, नहीं चाहिए भाई डिस्काउंट, मतलब इन लोगों को डिस्काउंट देना ही नहीं मतलब वो करता है। अभी मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, अब पता नहीं यहाँ पे क्या चाहिए। देखो गाइस यहाँ पे एक नल है यहाँ पे, इसमें क्या रख सकते हैं और इसमें क्या रख सकते हैं मेरे को कुछ पता नहीं है, ओके मैं इसको उठाया एंड इसमें डालना है कि इसमें डालना है, सबसे पहले तो इसमें डालना है शायद, बी आई वे है ना मेरे पास, ओके बी आई वे, तो चलो गाइस बी आई डाल दिया इसमें, ओके और ये क्या कर रहा है अभी, ओके कुछ स्टार्ट हो रहा है गाइस परसेंट, अब देखते हैं ये क्या करता है। और ये कलर भी हो सकता है,
मेरे पास पैसे ही नहीं गाइस, पेंट कहाँ से लेकर आऊँ। ओके $180 है। तो देखो गाइस हमें ये कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो नल दिया है, और नल कुछ तो चाहिए। बकेट दू क्या? देखो गाइस बकेट तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि गाइस इसमें से शायद मेरे को हनी मिलेगा, हनी शायद। अब कंफर्म नहीं है पता, क्योंकि गाइस अगर आप लोग खेले हो तो पता होगा, मेरे को नहीं पता। तो मैं जा रहा हूँ अभी शॉप पे, देखता हूँ कुछ मिल रहा है क्या इसके लिए। कुछ मिल रहा होगा तो मैं ले लूंगा। चलते सबसे पहले शॉप पे, देखते हैं इसके लिए कुछ है क्या। शायद तो कुछ तो जरूर होगा गाइस, क्योंकि ऐसे हनी हम नहीं ले सकते हैं। मेरे को जहाँ तक पता है ऐसे हनी हम लोग ले ही नहीं सकते। हमें कुछ उसके लिए थाली दे रहा है, कुछ भी चीज़ कलेक्ट करना हो कुछ भी चीज़ के लिए हमें थाली दे रहा है। तो वो हनी कलेक्ट करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो जरूर दे रहा होगा ये। तो यहाँ पर आकर मुझे अब देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ नया चीज़ होगा। टूल्स में है क्या? ओ यहाँ पे एक नया बैरल है, और बैरल के पास में ही दिया है हाई फ्रेम एंड बी स्मोकर। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये एक बैरल ले लेता हूँ। बैरल शायद बैरल में कलेक्ट हो जाए, शायद पता नहीं। दो बैरल खरीद लेता हूँ, 36 का वो दो बैरल आ रहा है। चलो मैंने दो यहाँ से बाय कर लिया। अब शायद देखता हूँ गाइस, शायद अब मेरे को भी पता नहीं इसमें हनी आएगा कि नहीं आएगा। परंतु पहले के जमाने में तो ऐसे ही रखते थे ना, पता नहीं गाइस। इसमें देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इसमें शायद कलेक्ट हो, क्योंकि देखो गाइस इसमें हल्का सा छेद है, देखो जिसमें जितना नल का है ना उसमें उतना ही, और इसमें परसेंटेज भी लिख रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर होगा। इन लोगों का फूड भी देख लूं, वरना ये मर। ओ नहीं गाइस, एक मर गया अपना, और बकरियों का भी हेल्थ खत्म। नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ये बाद में ट्राई करेंगे। अरे उतर जा स्मोकर, तू भी उतर, तू भी उतर भाई, तू भी उतर जा। गाइस सब भी जस्ट गया था, अब भी मैं नोटिस नहीं किया, अपना एक नुकसान हो गया पिग। कोशिश करते हैं बचाने की, देखते हैं बच पाते हैं कि नहीं। यार गाइस में ध्यान नहीं दिया ना अपने, क्या बोलते हैं, बी हाइव खोजने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था। बकरियों, एक बकरी गई, लुढ़क गई गाइस, लुढ़क गई भाई। खाना खा लो, पानी भी नहीं बचा है, जल्दी से खाना खा लो। ओ एक नहीं दो लुढ़क गई, ओ ये भी लुढ़कने वाली है गाइस। अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर ये मर गए तो। खाना खा लो, कि तुम भी लुढ़क गए अब पता नहीं, पर अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और हाँ सबसे पहले छोड़ो वो चीजों की बात, इसको ऑफ करते हैं सबसे पहले, और ये उठाकर देखते हैं उसमें लगता है कि नहीं। ओ यस गाइस लग गया फाइनली। और इसमें क्या हुआ, और ये 18%। ओ गाइस अपने हनी कलेक्ट करना स्टार्ट हो गया है, इसमें 18% हो चुका है हनी। बहुत मस्त लग रहा है मेरे को तभी तो गाइस। यहाँ पे ये सूख चुका है तो मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले तो, और अपने इससे पैसे आ जाएंगे शायद। और ये चार लगा भी देता हूँ, 1, 2, 3 and 4। देखो गाइस आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मेरी बकरियां मर गई, पर ये खाना नहीं खा रही है मैं, क्योंकि खाना तो दे दिया हूँ, मरना नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा। देखो गाइस मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तो और भी ये चीज़ लाने वाला हूँ, और हनी कलेक्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये एपिसोड कैसा लगा वहाँ पर कर। परंतु गाइस ये शायद छोटा हो, शायद अब मेरे को पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बनी है। तो चलो गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।